हे भगवान। कौन है? कौन है वहां? कौन है? मैं भी ना बेकार में टेंशन लेती रहती हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। कौन है बेडरूम में? कौन है? अगर वो धमकी वाली बात सच है तो मेरी जान को खतरा है। नहीं, मैं तो बेकार में ही डरती रहती हूँ। नहीं, सावधानी बरतने में हर्जी क्या है? मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी मौत का जिम्मेदार तुम। छोड़ो इसे, छोड़ दो मुझे। मैं पुलिस बुला लूंगी। छोड़ो। के अंधेरे में सिर्फ चांद के प्रकाश में, बिजली की गड़गड़ाहट में राजन ने अपनी चाबी से मुख्य द्वार को खोला। राजन शयन कक्ष की ओर मुड़ा, धीरे धीरे और धीरे वो अपने कदम शयन कक्ष की ओर बढ़ाने लगा। और जैसे ही राजन शयन कक्ष के द्वार तक पहुंचा, तभी अचानक एक हाथ पीछे से उसके कंधे पर आ थमा। राजन की चीख निकल गई। राजन ने पलट कर देखा तो वो उसकी पत्नी अनीता थी। अनीता ने बड़े ही प्यार से राजन से कहा, चानू हैप्पी बर्थडे। अनीता के हाथ में एक केक था। उस केक के ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती लगी हुई थी। रेखा, तुमने देखा ये लाइट और साउंड वाले आईडी कहाँ हुए? स्टॉप मत करो, सुनने दो। अरे हिट है, खूनी लिबास नावल सारे देश में धूम मचाएगी, देखना। राजन बड़े ही प्यार से अनीता की आंखों को पढ़ रहा था। अनीता ने राजन से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे जन्मदिन को भूल गई? राजन मुस्कुराया। अनीता ने बड़े ही प्यार से राजन का हाथ पकड़ा और उसको टेबल तक ले गई। अनीता ने वो केक टेबल के ऊपर रख दिया। अचानक अनीता ने चाकू उठाया और तेजी से राजन की ओर घुमाया। राजन डर गया। तभी अनीता बोली, चानू केक नहीं काटोगे? राजन ने राहत की सांस ली। उसने वो चाकू अनीता के हाथ से अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसने वो चाकू केक काटने के लिए केक के ऊपर रखा तभी अनीता चिल्लाई, रुको! राजन वहीं डर गया। अनीता मुस्कुराई। अनीता ने कहा, जानू मोमबत्तियां तो बुझा दो। राजन ने फिर राहत की सांस ली। राजन ने एक फूंक मारी और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और राजन जमीन पर गिर गया। Thank you very much. Vikrant! You! Oh! Vikrant! Security, किसी को बाहर मत जाने देना। Main door बंद। Vikrant! 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 Vikrant क्या हो गया तुम्हें? अरे कोई CID को बुलाओ जल्दी। Vikrant! 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 ये सब कब हुआ? मैं बताता हूं। आप? अमन, मैं लेखक हूं सर। विक्रांत जी मेरे इस नोवेल खुनी लिबास के प्रकाशक थे। इस कार्यक्रम का आयोजन भी उन्होंने ही किया था। दरअसल आज मेरे इस नए उपन्यास खुनी लिबास का लॉन्च था। मैं वहां पर खड़े होकर इस उपन्यास के एक अध्याय को पढ़कर सुना रहा था। बैकग्राउंड में साउंड्स और लाइट का इफेक्ट भी चल रहा था। तय समय के अनुसार लाइट्स ऑफ हो गई और जब वापस ऑन हुई तो मैंने देखा कि विक्रांत के सीने से खून बह रहा था और वो ये रेखा जी हैं, विक्रांत जी की पत्नी। खूनी लिबास ये नाम कहीं सुना हुआ सा लगता है। सर वो अंजलि, उसके पास से हमें इसी बुक लॉन्च का इनविटेशन कार्ड मिला था। हाँ अंजलि जिसका खून हुआ कल रात, उसके बैग में भी हमें इसी बुक लॉन्च का इनविटेशन कार्ड मिला। पलटो से समझ गए। तो अंजलि का और उस हमलेवार के बीच में काफी हाथापाई हुई थी। निशाने को देख के लगता है कि अंजलि ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी। हाँ सर, लेकिन हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से इन पर गोली चला दी। दरवाजा टूटा हुआ नहीं है, घर की सारी चीजें सारा सामान अपनी जगह पे है, यानी वो हमलावर घर के अंदर जबरदस्ती नहीं घुसा है। अंजलि ने उसे अंदर आने दिया है। इसका मतलब है कि अंजलि उसे जानती थी। डिक्टाफोन, जरूर अंजलि ने इसमें कुछ रिकॉर्ड किया होगा, तभी उस हमलावर ने इसे तोड़ दिया। सर अंजलि के पर्स में ये आईडी कार्ड मिला है। प्रेस का कार्ड? अंजलि एक पत्रकार थी। हाँ सर, और सर साथ में ये बुक लॉन्च फंक्शन का इनविटेशन कार्ड भी है। इसका मतलब है अंजलि को भी यहाँ आने का इनविटेशन मिला था। कहीं दोनों खून का आपस में कोई संबंध तो नहीं है? जरा पीछे हटिए प्लीज। सर गोली विक्रांत जी के सीने पर लगी है, यानी वार सामने से किया गया। जरा ना आगे लो। गोली विक्रांत जी के सीने से चीरती हुई पीठ से बाहर निकली और यहाँ शहर में जा घुसी। सर तब तो गोली बहुत नजदीक से चलाई गई होगी, क्लोज रेंज से। इन्हें नीचे लिटा दो, संभाल के। लंबी रस्सी लिया अभिनीत, जितने मेहमान हैं उन सबके नाम और एड्रेस नोट कर लो। इन्हें पूछो कि इन लोगों ने किसी को देखा है या किसी पे शक है क्या, और जितने लोगों को इनविटेशन दिया गया उन सब की एक लिस्ट बनाओ और पता करो कि यहाँ कौन लोग हैं जो जबरदस्ती बिना इनविटेशन के अंदर घुसा है, और यह भी पता करना कि कौन लोग हैं जो इन्विटेशन देने के बावजूद यहाँ पे नहीं आए। सर, जिस तरह से गोली चलाई गई स्टेज पर से ही चली हो। ये कैसे हो सकता है सर? इस स्टेज पर तो सिर्फ मैं ही था। आप कह रहे थे कि उस वक्त आप स्टेज पे इस उपन्यास से एक अध्याय पढ़ रहे थे। जी हाँ सर, बैकग्राउंड में साउंड और लाइट का इफेक्ट भी चल रहा है। और हाँ सर, इस कहानी में एक जगह कमरे में अंधेरा होता है और किरदार पे गोली चलती है। और उस वक्त इस हॉल में भी अंधेरा हुआ था। ये अंधेरा होना और गोली चलने की आवाज ये पहले से तय था क्या? जी हाँ सर, गोली की आवाज की रिकॉर्डिंग सुनाई देना और ठीक उसी वक्त सचमुच की गोली चलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमें वो ऑडियो सीडी चाहिए गोली चलने की। जी हाँ, मिल जाएगी सर। सरस सिंह यहीं कहीं आसपास से चलाई गई है सर, करीब 15-20 फीट की दूरी है सर। हो सकता है खूनी इस पर्दे के पीछे कहीं छिपा हो। गोलियां इसी जगह से चली है, ये देखो। एक मिनट जब, हिलना नहीं, हिलना नहीं। किसी के जूतों के निशान सर, हो सकता है ये निशान खूनी के जूते के। जब ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ बैक स्टेज में जितने भी लोग थे उन सबको यहाँ बुलाओ। यस सर। सर ये लोग थे यहाँ पर? आप लोग थे जब बाहर हॉल में गोली चली थी? आप लोग यहीं पे थे बैक स्टेज में? जी सर। किसी को यहाँ से भागते हुए देखा बाहर? नहीं सर। नहीं, मैंने देखा सर, एक आदमी जल्दी जल्दी भाग रहा था। आप पहचानते हैं उसे? साहब अंधेरा था साहब, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया साहब कुछ। अच्छा, उस आदमी ने क्या पहना हुआ था कुछ याद है? शर्ट, कुर्ता या कुछ और? साहब अंधा है क्या, जंगली कहीं का? साहब काले रंग का कोट पहना था साहब, और वो जल्दी जल्दी भाग रहा था साहब, और उसने मुझे धक्का दिया साहब, वो धक्का देके भाग गया साहब। ठीक है, आप लोग जाओ, सिक्योरिटी से जाके पता करते हैं कि उन लोगों ने किसी लंबे काले कोट वाले आदमी को देखा है या नहीं। जी सर, वो बहुत जल्दी में था, इसके पहले कि मैं उससे कुछ पूछता वो निकल गया। वो गया कैसा यहाँ से? गाड़ी से गया सर। गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं सर। अच्छा, वो दिखता कैसे था, उसने क्या पहन रखा था, भूलिया बता सकते हो? सर उसने काले कलर का कोट, टोपी और चश्मा पहना हुआ था सर। अंदर हॉल में भी उस आदमी ने हमें यही हुलिया बताया था। यही वो शख्स है जिसकी हमें तलाश है। तुम उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? जी सारुंगे साहब, कोई खास बात पता चली है क्या? खास बात यह है अभिजीत, ये 2 बुलेट्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें से ये वाली बुलेट मुझे अंजलि की बॉडी में से मिली है, और ये बुलेट मुझे विक्रांत की बॉडी में से मिली है, और दोनों बुलेट .32 कैलिबर की गन से चली है। यहां देखो, ये देख रहे हो, दोनों गोलियों पर गन बैरल का एक जैसा निशान है। एकदम आइडेंटिकल। इसका मतलब अंजलि और विक्रांत को एक ही गन से मारा गया है। मिस्टर विक्रांत उपन्यास खूनी लिबास के प्रकाशक थे और अंजलि उस बुक लॉन्च में आने वाली थी मगर पहुंची नहीं। दोनों को एक ही गन से मारा गया है, मतलब दोनों का खूनी कोई एक ही है। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही सर, खूनी ने ठीक उसी वक्त गोली कैसे चलाई जिस वक्त फंक्शन के बैकग्राउंड म्यूजिक में गोली चलने की आवाज थी। एक बार वो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हैं। उसने वो चाकू अनीता के हाथ से अपने हाथ में लिया। राजन ने फिर राहत की सांस ली। राजन ने एक फूंक मारी और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और राजन जमीन पर गिर गया। हाँ यार, थोड़ी मिस हो गई है, फिर से ट्राई करता हूं। सचिन, फिर से मुझे ऑन करना। और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और राजन जमीन पर गिर गया। गोली की आवाज पे गोली चलाना इतना आसान नहीं है, काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और हत्यारे ने उसी वक्त गोली चलाई जिस वक्त उसने सीढ़ी से गोली की आवाज सुनी। अपना टाइमिंग सही करने के लिए उसने काफी प्रैक्टिस की होगी, और प्रैक्टिस करने के लिए उसे इस सीढ़ी की जरूरत तो जरूर पड़ी होगी। हाँ, और बिना सीडी के तो प्रैक्टिस कर नहीं सकता था। पता लगाओ ये सीडी किस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तैयार की गई है और किस किस को दी गई है। सर, बुक लॉन्च फंक्शन की गेस्ट लिस्ट चेक की तो पता चला कि 5 गेस्ट थे जो उस फंक्शन में नहीं आए। अच्छा, और क्यों नहीं आए थे? सर, 4 लोगों ने तो पहले ही ऑर्गेनाइजर को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक गेस्ट ने एन वक्त पर अपना इन्विटेशन कैंसिल कर दिया। और वो कौन है? विक्रांत जी की सेक्रेटरी स्नेहा। स्नेहा जी, मैं उस रात वीएन हॉस्पिटल में थी। मेरे भाई का ऑपरेशन था, वो अब भी सीरियस है। आप चाहें तो वीएन हॉस्पिटल जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। मैंने इस बारे में विक्रांत सर को भी बताया था। नेहा जी, ये बताइए कि विक्रांत जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई कॉम्पिटिटर उनका? दुश्मन का तो पता नहीं, लेकिन वो कुछ दिनों से परेशान बहुत थे। क्यों? पूछा था लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन हाँ, मैंने उन्हें फोन पर किसी से टेंशन में बात करते हुए सुना था। क्या बात कर रहे थे वो, सुना आपने? हाँ, वो बार बार अमन का नाम ले रहे थे। अमन? अच्छा, अब ये बताइए कि बुक लॉन्च फंक्शन के दौरान नरेशन के साथ साथ साउंड इफेक्ट्स का आइडिया किसका था? जी, वो विक्रांत जी का ही आइडिया था। वो चाहते थे कि बैकग्राउंड में एक माहौल सा बने, और इसीलिए मैंने सीडी की 3 कॉपीज भी बनाई थी। 3 सीडी? मगर वहाँ ऑडिटोरियम में तो हमें सिर्फ 2 ही सीडी मिली थी। ये 3 सीडीज किस किस के लिए? एक विक्रांत सर के लिए, अमन के लिए और एक अपने लिए। क्या आप हमें ये ऑडियो सीडी दे सकती हैं? आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली वो सीडी या तो गुम हो गई है या मैंने कहीं रख दी है, पता नहीं। आई एम सॉरी सर। आपकी ये सीडी की कॉपी बुक लॉन्च से पहले चोरी हुई थी या बाद में? पहले, बहुत पहले। थैंक यू स्नेहा जी। अगर आपसे कोई और सवाल पूछना हो तो हम आपको फिर से तकलीफ देंगे। थैंक यू सर। ये तीसरी सीडी का राज क्या है, समझ नहीं आया। तो किसी ने सीडी चुरा तो नहीं ली? लेकिन क्यों, कौन करेगा ऐसा? यही पता लगाना पड़ेगा हमें। पहले समन से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you. अरे सर, आप लोग यहाँ? हमें पता चला कि आप पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सोचा लगे आज क्यों ना हम भी कुछ सवाल पूछ लें आपसे। क्या बात करें सर, एक जर्नलिस्ट को जवाब देने में और सीआईडी ऑफिसर्स को जवाब देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, फर्क तो होता है। पत्रकार को जवाब देने से मना किया जा सकता है, पर सीआईडी ऑफिसर्स को जवाब तो देना ही पड़ता है। क्या बात है दया सर, आपको तो एक लेखक होना चाहिए था। नहीं, मैं इसी में खुश हूँ। खैर, विक्रांत जी के बारे में कुछ पूछना था आपसे। विक्रांत बहुत ही सीधा साधा और बड़े ही दिल वाला था। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से तो हूँ। अगर मैं सच कहूँ सर तो उसके चले जाने का सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है। पिछले कुछ दिनों से उनके व्यवहार में कुछ बदलाव देखा था आपने? कोई अजीब सी बात? जी हाँ, वो बहुत ही खोया खोया सा रहने लगा था। गुमसुम, खामोश, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई परेशानी उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि किस बात की परेशानी थी उन्हें? जी नहीं। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, मैं ऑफिस की लॉबी से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वो फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? शायद वो किसी मिलन से बात कर रहा था और कह रहा था कि मिलन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और आपने ये नाम मिलन पहले सुना था या किसी मिलन को जानते हो आप? जी नहीं। थैंक यू। तो स्नेहा कह रही थी कि उसने विक्रांत को किससे फोन पर बात करते समय अमन का नाम लिया और ये अमन कह रहा है कि उसने मिलन का नाम लिया। इन्हें एक काम करो, विक्रांत जी के मोबाइल से मिलन का नंबर निकालो और फिर उसका एड्रेस। पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। फैन चल रहा है, अलमारी खुली हुई है, खाना वैसा का वैसा है, खिड़की भी खुली हुई है। मतलब ये जल्दी जल्दी में भागा यहाँ से, तो जरूर हमारे लिए कुछ छोड़ के गया होगा। चेक करो घर को। सर ये फोटो मिल गया। सर ये फोटो तो स्केच से मैच होता है, ये देखिए। मतलब मिलन ही था जो उस बुक लॉन्च में गया था। चेक करो, देखो और क्या मिलता है। सर अमिन, सर ये देखिए चश्मा। हाँ, वॉचमैन ने भी बताया था ना, गोली चलने के बाद जो आदमी गेट से निकला था उसने यही पहन रखा था, काला कोट, चश्मा और हैट। मतलब सर बुक लॉन्च पे मिलन विक्रांत का खून करने के बाद पहले घर आया, हड़बड़ी में अपना सामान पैक किया और यहाँ से चक्कर हो गया। करेक्ट। सर ये डस्टबिन से ये पेपर मिले हैं। देखिए जैसे इस पे कोई नक्शा बना हुआ है। नक्शा ही लग रहा है, जोड़ो इसे। ब्लू पर्ल, ब्लू पर्ल। पता लगाओ ये जगह कहाँ पे है। निखिल, तुम्हें पूरा यकीन है यही वो जगह है? हाँ सर, उस कागज पे जो लैंडमार्क था वही होटल है और इस होटल के आसपास सिर्फ एक फार्म हाउस है। कमरे की तलाशी लो। सर, सर ये देखिए सर, सर ये सेटअप तो बिल्कुल वैसा ही सेटअप है जो उस बुक लॉन्च फंक्शन के जैसा था। हाँ सर, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये कि खूनी काफी अरसे से ये खून करने की प्लानिंग कर रहा था। उसे उस जगह का पूरा लेआउट पता था। उसे ये भी मालूम था कि उस फंक्शन में विक्रांत जी कहाँ बैठे होंगे। सर ये देखिए, ये गोली बिल्कुल वैसी गोली है जो हमें विक्रांत जी की लाश में मिली थी। हर एक छोटी सी छोटी बात को ध्यान में रखकर उसने कत्ल करने की साजिश रची है। पता नहीं कितने दिनों से अपने इरादों को अंजाम देने में लगा पड़ा था वो। ये टारगेट प्रैक्टिस, ये देखो ये गोलियां। सीडी प्लेयर और म्यूजिक सिस्टम। राजन ने एक फूंक मारी और उस मोमबत्ती को बुझा दिया। उस मोमबत्ती के बुझने के बाद उस कमरे में काला घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आई। ओह, सर लगता है वही सीडी है जो मौके वारदात से गायब हुई थी। हाँ, ये वही सीडी है और इसी सीडी की मदद से उसने अपना टाइम एकदम परफेक्ट रखा। जैसे ही सीडी में गोली चलने की आवाज आई, उसने अपने गन से गोली चला दी। और इस टारगेट को देखो, ये इतने सारे छेद हैं। यानी टाइमिंग परफेक्ट रखने के लिए उसने बहुत प्रैक्टिस की थी, टारगेट प्रैक्टिस। और सर इसीलिए उसने ये पर्दे और खिड़कियां सब बंद करके रखा, ताकि जब वो गोली चलाने की प्रैक्टिस करे तो ना उसे कोई सुन सके ना देख सके। अखिल, आसपास जाके पता करो कि ये फार्म हाउस किसका है। शेल, सर जो बात पता चली आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। क्या? सर ये फार्म हाउस विक्रांत जी की वाइफ रेखा के नाम पे है। रेखा? मैं सच कह रही हूँ, मेरे ही फार्म हाउस पर मेरे ही पति के मर्डर की प्लानिंग चल रही थी। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं अपने पति को बचाती नहीं? क्या मैं सीआईडी को इन्फॉर्म नहीं करती? ये फार्म हाउस की चाबी किस किस के पास रहती है? एक चाबी मेरे पास रहती है और दूसरी विक्रांत के पास रहती थी। जब भी उसका मन करता था वो वहां चला जाता था। मैं तो काफी अरसे से फार्म हाउस पर गई ही नहीं। अच्छा, विक्रांत जी ने कभी आपसे किसी मिलन नाम के आदमी के बारे में कुछ कहा था? नहीं सर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्या आपने हाल फिलहाल विक्रांत जी के बर्ताव में कुछ बदलाव देखा? हाँ, काफी समय से विक्रांत का बर्ताव अजीब सा हो गया था। वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है, कभी कुछ नहीं बताता था। सुबह भी जल्दी निकल जाता था और रात को भी देर से लौटता था। तो आपने उनसे पूछा नहीं? बहुत बार पूछा, लेकिन उसने तो मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही बंद कर दिया था। जब भी कुछ पूछो बस चुप रहता था। ठीक है रेखा जी, अभी आप जा सकती हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। सर, मुझे तो लगता है ये मिलन ही खूनी है, क्योंकि बुक लॉन्च फंक्शन की शाम उसको ही निकलते हुए देखा गया था। हाँ, कहीं से उसने फार्म हाउस की चाबी का इंतजाम किया होगा, वहाँ पे सीडी के म्यूजिक पे गोली चलाने की प्रैक्टिस की और बुक लॉन्च में जाके विक्रांत जी का खून कर दिया। पर सर, हमें ये भी नहीं पता कि मिलन है कहाँ, और ये भी नहीं पता कि वो जर्नलिस्ट अंजलि की मौत का इस केस से क्या लेना देना है। सर, डेक्टाफोन में से जो हमें टेप मिला था वो बुरी तरह से डैमेज था, लेकिन अब उसे रिपेयर कर लिया गया है। वेरी गुड। तो डेक्टाफोन लाना जरा। मार्वे रोड फ्लैट नंबर 5 में मछुआरी गली में रहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी मौत का जिम्मेदार जान को खतरा। फिर से रिमाइंड करो। मेरी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है। मैं मार्वे रोड फ्लैट नंबर 5 में मछुआरी गली में रहती हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार मार्वी रोड फ्लैट नंबर 5। तो फिर से चलो। मेरी जान को खतरा है। मैं मार्वी रोड फ्लैट नंबर 5 में मछुआरी गली में रहती हूँ। हाँ सर, तो फ्लैट नंबर 5 मार्वे रोड मछुआरों की कॉलोनी के पास। स्टेप से 2 बातें तो पता चली है। अंजलि की जान को खतरा था और मरने से पहले उसने एड्रेस बताया था, फ्लैट नंबर 5 मार्वे रोड मछुआरों की कॉलोनी के पास। देखते हैं कौन रहता है इस एड्रेस में। जी, हम CID से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माफ कीजिए, हमने आपका नाम नहीं पूछा। मृदुला। मृदुला। मृदुला जी, आप अकेली रहती हैं? हाँ, नहीं, मतलब मेरे पति के साथ, शैलेश, लेकिन फिलहाल वो किसी काम के सिलसिले में 3 महीनों के लिए हमारे गांव गए हैं। ओह अच्छा। आप किसी अंजलि को जानती हैं? अंजलि? एक सेकंड, ये है उसकी फोटो। कौन? अंजलि एक पत्रकार थे। जी नहीं, एक्चुअली मैं घर से बाहर सिर्फ सब्जी खरीदने के लिए निकलती हूँ, मैं किसी पत्रकार को नहीं जानती। सब्जी भाजी खरीदने जब घर से बाहर जाती हैं तो शायद आपने कहीं इसे देखा हो, इसके बारे में सुना हो। जी नहीं। हमने आपको डिस्टर्ब किया, शायद आप नहा रही थी। जी हाँ। तो फिर आपके बाल इतनी जल्दी कैसे सूख गए? जी वो मैं शैम्पू करने जा ही रही थी, तब आप लोग आ गए। अब आप लोग जाएंगे तब मैं कर लूंगी शैम्पू। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि हम लोग चले जाएं? जी जी नहीं, मगर वो पानी चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग फिर आ जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। बोल रही है। हाँ सर, वो शैम्पू वाली बात तो छोटी थी। जानबूझ के दरवाजा खोलने में देर लगाई। शैम्पू का तो सिर्फ बहाना था। लेकिन सर, ऐसा किया क्यों होगा इन्होंने? हॉल की दीवार पे एक जगह खाली थी, ऐसा लग रहा था वहाँ पे कोई पेंटिंग लगी थी या कोई फोटो फ्रेम था। मतलब सर, अभी हमारे अंदर घुसने से पहले उन्होंने वहाँ से वो फोटो फ्रेम या पेंटिंग हटा दी होगी। अब तो ऐसा ही रहा है। मगर वो ऐसा क्यों करेगी सर? नहीं चाहती होगी कि हम वो फोटो फ्रेम या पेंटिंग देखें। सर, ऐसी क्या खास बात होगी उस फोटो फ्रेम या पेंटिंग में? उसी का पता लगाना पूर्वी। चलो जरा पड़ोसियों से मिलते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, देखिए हम लोग CID से हैं। आप यहीं आसपास रहते हैं? हाँ सर, ये वाला घर मेरा है। आप फिर तो शैलेश जी और मृदुला जी को जानते होंगे? हाँ, बहुत अच्छे से। कितना जानते हैं उनके बारे में? I mean, उनके बारे में ऐसी कोई बात जो आपको खटकती हो, कुछ अजीब लगता है उनके बारे में। हाँ सर, एक्चुअली सर वो दोनों वैसे तो बहुत मिलनसार है सर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सर उनका बर्ताव बहुत अजीब सा हो गया सर। अजीब सा मतलब? अचानक हम सबसे बातें करना बंद कर दिया है, सहमे सहमे से रहते हैं सर। तो इसकी वजह नहीं पूछी आपने? पूछा था सर, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बात को घुमा दिया सर। अच्छा, इनके घर आना जाना तो होगा आपका? हाँ, काफी बार मैं जा चुका हूँ। ऐसे फिर तो आपने इनके हॉल में जो एक तस्वीर है वो तो देखी होगी। वो जो है ना वो बड़ा सा फ्रेम है हॉल में बिल्कुल सामने, वो कौन सी फोटो थी वो? मैरिज वाली सर, मृदुला जी और शैलेश जी की शादी की फोटो है सर। कहीं आप उसी की बात तो नहीं कर रहे? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वही। अच्छा, ये शैलेश जी काम कहाँ करते हैं? शॉपिंग मार्केट में सर। कौन से शॉपिंग मार्केट? वो हाँ, आर्कलाइन शॉपिंग मार्केट सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सर, सुरक्षा ने वो मृदुला जी और शैलेश जी की शादी की फोटो हमसे क्यों छुपाई? शायद शैलेश की पहचान छुपाने के लिए। आर्कलाइन शॉपिंग मार्केट। वेलकम सर। ये क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए नहीं, ये पूछिए कि कौन चाहिए। कौन चाहिए? शैलेश, जो यहाँ काम करता है। तो शैलेश वो तो यहाँ काम करता था, उसने तो नौकरी छोड़ दी। कितना टाइम हुआ उसे काम छोड़े हुए? ये कोई 3 महीने हुए होंगे। 3 महीने? अच्छा, अब इस शैलेश के बारे में कुछ और बता सकते हो आप हमें? शैलेश के बारे में सर जितना कहा जाए उतना कम है। एकदम फर्स्ट क्लास सेल्समैन था सर। कस्टमर से इतनी अच्छी तरीके से बात करता था कि जो कस्टमर टाइम पास करने के लिए भी आते थे वो सामान खरीद लेते थे। जब वो इतना अच्छा सेल्समैन था फिर उसने यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ी? सर वो कह रहा था कि कोई बड़ा जैकपॉट लगाया उसे, अब वो खुद की दुकान खोलना चाहता है, तो इस सिलसिले में उसे कुछ टाइम के लिए गाँव जाना पड़ेगा। उसका गाँव कहाँ है, कुछ बताया उसने? नो सर, ये तो बताया नहीं सर। ओह अच्छा, उसकी कोई फोटो तो होगी ना तुम्हारे पास? ये रही उसकी फाइल। ओह, ये शैलेश? पकड़ लें इसे सर। नहीं अभी नहीं, एक और काम करना बाकी है। चलते हैं, जाइए। जा रहा अमन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे पैसे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। दे तो दिए पैसे, अब और पैसे कहां से लाऊं? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हारा कौन सा बड़ा चक्कर चल रहा है? अरे कोई बड़ा चक्कर नहीं चल रहा यार, मेरा विश्वास करो। और हाँ, जितने पैसे तय हुए थे वो सब के सब मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब मुझे परेशान करना बंद करो प्लीज। तुम बकवास बंद करो, बहुत हो चुका। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मिलन देखो, ये गन, प्लीज ये गन मत चलाना। हाँ तुम गोली नहीं चला सकते। हम शांति से बैठकर बात करते हैं ना। अरे तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं तुम्हें दूंगा, मैं वादा करता हूं तुमसे। लेकिन प्लीज ये गन नीचे कर दो। हाँ, गन नीचे कर दो। ये बंदूक मुझे बहुत पहले निकाल लेनी चाहिए थी, लेट हो गए। सीआईडी हमेशा ही टाइम से पहुंचती है। हाथ ऊपर कर, हिलना नहीं। गंदा। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, इस पागल आदमी से मुझे बचा लीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है अमन, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। निखिल, हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले लो। सर मैंने क्या किया है सर? सर मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे गिरफ्तार मत करिए सर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ये ड्रामा बंद करो मिस्टर शैलेश। शैलेश? कौन शैलेश सर? मैं अमन हूँ, अमन। और ये सारा खेल तो इस मिलन ने खेला है। मैं निर्दोष हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। इतना भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सबूत है कि तुम्हारा असली नाम अमन नहीं शैलेश है। आर्कलाइन शॉपिंग आर्केड में काम करने वालों के रजिस्टर में तुम्हारा नाम समझे, और वहां तुम्हारी फोटो भी है। तो मिस्टर शैलेश, अब तुम महान लेखक नहीं रहे। मिलन, विक्रांत जी से तुम कैसे मिले? जब दो पब्लिशर ने मेरी कहानी छापने से इनकार कर दिया, तब मैं विक्रांत जी के पास गया। विक्रांत जी को मेरी कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसे नकली नाम से छापेंगे। इसलिए विक्रांत जी ने तुम्हारे उपन्यास को तुम्हारे नाम से नहीं, बल्कि एक नकली लेखक अमन के नाम से छाप दिया। जी, और जब उपन्यास को सराहा गया तो मुझे लगा कि विक्रांत जी मुझे दुनिया के सामने लेकर आएंगे, लेकिन विक्रांत जी को लगा कि दुनिया इस बात को कभी नहीं मानेगी कि मुझ जैसा दिखने वाला साधारण आदमी लेखक हो सकता है। उपन्यास की पब्लिसिटी के लिए उनको स्टाइलिश और आधुनिक चेहरा चाहिए था, और तभी उनकी मुलाकात शैलेश से हुई आर्कलाइन शॉपिंग आर्केड में। हाँ, और तुम्हारी मीठी जुबान से बहुत इंप्रेस हो गए वो, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा क्यों ना तुम्हें अमन बनाकर दुनिया के सामने लाया जाए। हाँ? पैसा और शोहरत पाने का मेरे पास ये सबसे अच्छा मौका था सर, लेकिन विक्रांत जी ने तय किए हुए पैसे मुझे नहीं दिए, इसलिए तुमने मिलन से हाथ मिला लिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए अंजलि नाम की जर्नलिस्ट की मदद ली। मगर शैलेश, तुम्हारा लालच बढ़ा, तुमने अपना प्लान चेंज कर दिया। तुमने सोचा क्यों ना विक्रांत जी को ही मार दो, ताकि उनके रॉयल्टी के सारे पैसे तुम्हें मिल जाएं। हाँ, और उनको मारने की प्रैक्टिस भी मैं उन्हीं के फार्म हाउस पर किया करता था। और अंजलि को इसलिए मार दिया क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो तुम्हारी सारी असलियत सबके सामने ला देती, है ना? मिलन भी तो तुम्हारी असलियत जानता था, इसको क्यों जिंदा छोड़ दिया? ये कहीं गायब हो गया था। चलो, इतना तो पता चल गया कि तुमने जानबूझकर मिलन को उस रात बुक लॉन्च पर बुलाया और बैक स्टेज के पर्दे में छेद बनाया। ये बताओ, विक्रांत जी पर कैसे गोली चलाई तुमने? मैं गन किताब में छिपा कर लाया था, मैंने स्टेज से ही अंधेरे में उन पर गोली चला दी। चलिए नकली लेखक, असली जेल में सजा काटने का वक्त आ गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.